और कई पाबंदियों के बावजूद भी नोएडा में कोरोना पर लगाम लगना मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। नोएडा में एक नए कोरोना का मामला सामने आया है और ये महिला नोएडा के सेक्टर 121 में काउंटी सोसाइटी की रहने वाली है। इस नए कोरोना मामले के आने के बाद नोएडा में कोरोना मामलों की जो संख्या है वो बढ़ करके 138 हो गई, जिसमें 88 मरीज ठीक हो चुके हैं और डिस्चार्ज भी उन्हें कर दिया गया है। वहीं बाकी के 50 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज अभी भी जारी है। वहीं अगर यूपी की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना से 77 मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 2211 हो गई है। तो देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 33,610 पहुंच चुकी है। आपको बता दें पिछले 24 घंटे में नए कोरोना मरीजों की संख्या 1,823 तक बढ़ी। देश में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ करके 33,610 हो गई। वहीं कोरोना वायरस की चपेट में आने से देश में 1,075 लोगों की मौत भी हो चुकी है, तो 8,372 ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी से ठीक होकर के अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं।